जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था नेहरू जी ने, उसी दौरान उसी बुक में एक पोर्शन लाइफ फिलॉसफी पे भी है, ठीक है, एक पोर्शन है, एक पार्ट है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की फिलॉसफी के बारे में बताया है, ठीक है। इस पोर्शन में हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, उन्होंने जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने ये लिखा है कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी या उनकी जो थिंकिंग थी, डायरेक्टनेस था, यानी कि एक सटीक उनका एक जो मार्ग था कि हमें इसी चीज पे चलना है, यही उनका बिलीव है और इसी तरह काम होगा हमारा, ये बिलीव उनका कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द टाइम धुंधला होता जा रहा था, उसमें ट्रांसपेरेंसी अब नहीं रह गई थी। बहुत सारे लोग जो चीजें बिलीव करते हैं उनके साथ इतना कुछ घटित हो रहा था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी फ्रीडम दिलाने के लिए, कि उनको कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी हुआ करती थी, उनके जो आइडियाज हुआ करते थे, वो सारे के सारे आइडियाज अब ट्रांसपेरेंट नहीं रह गए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने मेंशन की है, एंड बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग एनीथिंग फर्दर, ऑल राइट, सो नेक्स्ट थिंग ही डिस्कस्ड हियर, जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज द थर्ड पैराग्राफ ऑफ योर फर्स्ट पेज, उसमें यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है अबाउट द ग्रोइंग डिस्टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो अब वैसे नहीं रह गया है जैसे पहले हुआ करता था। लोग उसे उतना आप कह सकते हैं नोबल नहीं रहने दे रहे हैं। उनका जो पॉलिटिक्स फॉरवर्ड करने का या पॉलिटिक्स फॉलो करने का जो उनका नियम था या उनका एक कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि वो लीडर बनना चाहते थे, उन लोगों की तरफ से अपने बात रखना चाहते थे जो खुद से मेहनत नहीं, जो खुद से उनके पास नहीं है उतनी एबिलिटी या उतना शार्प माइंड नहीं है कि वो अपने बारे में किसी से लड़ सके, उतना करेज नहीं है उन लोगों के पास, उनके लिए वो एक लीडर बनना चाहते थे, ये उनकी पॉलिटिक्स की फिलॉसफी थी, उनकी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों ने इतना करप्ट कर दिया है कि अब उन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं रह गया है, वो ग्रेजुअली उसका जो एक्चुअल मीनिंग था उससे बहुत ज्यादा वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अंडरस्टूड। द थर्ड पॉइंट दैट ही डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल वॉज इन दिस पार्ट ऑफ द बुक इज दैट यहाँ पर जो इविलनेस है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि दुनिया में बहुत सारी इविलनेस के बारे में उन्होंने बताया, जैसे वॉयलेंस हो गया, डिसीट हो गया, ठीक है, सेल्फिशनेस, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में जिनके बारे में उन्होंने बोला है, सेल्फिशनेस ह्यूमन नेचर हो गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, हम इसके पीछे इतना भाग रहे हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन है, जो कॉमन लोग हैं, वो इसके पीछे इतना भाग रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमारी जो राइटियसनेस है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, ठीक है, वो साफ नहीं रह गई है, वो अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, नेटवर्क का इशू है, मुझे भी पता है, तो मैं दो तीन बार ये पॉइंट्स रिपीट करूंगी जो मैं बता रही हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, बार बार हैंड रेस करके ये मत बोलना कि मैम नहीं सुनाई दे रहा है, नेटवर्क नहीं क्लियर है, नेटवर्क नहीं क्लियर है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन सो दैट अगर नेटवर्क में नहीं जा रहा है, नेटवर्क खराबी की वजह से आपको नहीं सुनाई दे रहा है, तो दोबारा से जो बता रही हूँ वो सुन जाएगा, ठीक है। नाउ एज ही वॉज सेइंग, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में उन्होंने जो मैंने आपको भी लिखवाया है, जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, दैट इज evil triumphs often enough, यानी कि बुराई जो है वो बहुत बार जीतती है, ये पहले से ही तय है और ये पहले से ही उन्होंने ऑब्जर्व किया है। हम अगर हिस्ट्री में पास्ट में कितना जितनी भी वॉर्स हमने देखी हैं, वो सभी अगर मिला के हम इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, तो हमें मिलेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बुराई है यानी कि जो बुरे लोग हैं वो ज्यादा जीतते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो अच्छाई होती है वो एक बार अगर जीत पा ले तो हमारा जो जितनी भी बुराइयां थी वो सारी की सारी ठीक हो जाती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं, जो भी इश्यूज थे, और हम उस जीत को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने दिवाली का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर आपका इविलनेस जो है वो बहुत बार ऑलरेडी जीत ही रहा है, ये हम सबको पता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा, देखो जीत रहा है ये तो बुरा है ही, और ये बहुत बार हो रहा है, सबको पता भी है,
लेकिन उससे भी ज्यादा जो बुरा है वो बुरा क्या है कि अच्छाई जो है वो लोगों में कम होती जा रही है। अच्छा क्या है बुरा क्या है इसमें लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें अंतर नहीं बता पा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, अगर नहीं दिया है क्लास में इससे पहले तो फिर से, अब दिया है तो दोबारा सुन लो, नहीं दिया है तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए क्या एग्जाम्पल है इसका। इसका एग्जाम्पल रॉबिन हुड से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। रॉबिन हुड के बारे में आप लोग जानते होंगे, रॉबिन हुड क्या करते थे, रॉबिन हुड का आइडियोलॉजी था कि जिनके पास बहुत ज्यादा है उनसे वो चुराते थे, उनसे वो चोरी करके लेके आते थे उनका वेल्थ जो था, और वो गरीबों में बांटा करते थे उन लोगों के पास जिनके पास बिल्कुल भी वेल्थ नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है घर में, कपड़े नहीं है ढंग के पहनने के लिए, छत जो है वो लीक कर रही है, इस तरह के जो लोग होते थे जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उन लोगों से चुराया करते थे जो लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, जो लग्जूरियस लाइफ जीने के बाद उनके पास और पैसे बच रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए भी और ज्यादा बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उन सभी लोगों से वो चोरी करके उन लोगों को दिया करते थे जिनके बच्चे खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। नाउ हियर व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जितने भी लोग थे जिनसे रॉबिन हुड चोरी किया करते थे, यानी कि द रिच पीपल, द वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, दे वर वेरी एंग्री एंड दे थॉट दैट ही वॉज अ वेरी डेंजरस थीव दैट शुड बी कन्विक्टेड, जिसको हमें जेल भेजना चाहिए, जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट भी इस चीज का सपोर्ट करती थी, जो एक्चुअल पुलिस हुआ करते थे उस टाइम के, वो भी सपोर्ट करती थी कि ऐसे लोगों को हमें पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन जनता थी जिनकी रॉबिन हुड मदद किया करता था, उन लोगों ने उसको अपना मसीहा बना दिया, अपना हीरो बना दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ना ही गवर्नमेंट कोई एक्शन ले पाई, ना ही वो रिच पीपल जिनसे वो चोरी कर रहा था। नाउ द थिंग इज कि अगर उसे लोगों का भला करना था, दैट मीन्स इफ ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द पुअर पर्सन, ही कुड हैव चोजन एनी अदर पाथ। उसके पास बहुत सारे पाथ होते सच्चाई को जिताने के लिए, अच्छे लोगों की मदद करने के लिए। वो एनजीओ की तरह कुछ चंदा इकट्ठा करके या कुछ भी पैसे इकट्ठा करके उनकी मदद कर सकता था, वो जो रही अमीर लोग हैं उन लोगों से मांग सकते थे पैसे, या खुद कोई अमीर लोगों के अंडर काम करके अपना सैलरी बचा के वो पुअर लोगों की मदद कर सकते थे। लेकिन ये सारा करने की बजाय, ये सारी चीजें करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरी की, जो कि गलत है। चाहे आप किसी भी रीजन के लिए कर रहे हैं चोरी, चाहे आप किसी से भी चुरा रहे हैं, डजंट मैटर दैट पर्सन इज रिच और पुअर, आप कुछ भी चुराते हैं तो ये गलत है। और ये गलत और सही का जो डिफरेंस है ये उन कॉमन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ना ही वो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये आदमी उनके घर में खाना लेके आ रहा है, ये आदमी उनके बच्चों की जरूरतें पूरी कर रहा है जो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज वर नॉट एबल टू पुट डाउन रॉबिन हुड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक ये चीज जो है रॉबिन हुड को ना पकड़ा जा पाया, ना ही उसको कन्विक्ट किया गया, ठीक है, ना ही उनको पनिशमेंट दिया गया। तो ये सारी रीजंस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इतना ज्यादा वेल्थ गैप हो गया है, इतना ज्यादा सोसाइटी हमारी डैमेज हो गई है कि हम यहाँ पर सच्चाई को और अच्छाई को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करने लगा है, बजाय इसके कि क्या सही है क्या गलत है, क्या काम करना हमारे लिए सही है क्या काम करना हमारे लिए गलत है, ये सिचुएशनल बेस्ड हो गया है। हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो पर्सन हमें रिस्पेक्ट करेगा तभी हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, डजंट मैटर कि उसका जो पोजिशन है, उसकी जो एज है, ये सारी चीजें कमांड करती हैं आपको कि आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये सोचकर कि वो हमें डांटते हैं, वो कुछ ताना देते हैं, वो कुछ गलत गलत बोल देते हैं हमें जो कि नहीं बोलना चाहिए उनको। जो काम गलत कर रहा है वो उसकी गलती है, लेकिन तुम अगर उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो ये तुम्हारी गलती है। और ये अच्छाई और सच्चाई का गलत से जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया है, इसमें इतना धुंधलापन आ गया है कि हम नहीं समझ पा रहे, हमारी हर एक अच्छाई और बुराई के बीच का डिफरेंस सिचुएशनल बेस्ड हो गया है। और यही चीज नेहरू जी लिखते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे हैं, वॉयलेंस की तरफ मूव करना, डिसीट की तरफ मूव करना,
झूठ बोलना, ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर का तबाह करने के लिए काफी हैं। यही सारी चीजें जो हैं हमारे फ्यूचर को डूम पे लाने के लिए काफी हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट दैट ही डिस्कस इज दैट द सेल्फिशनेस, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस आर डिटेरियरेटिंग। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस हुआ करती थी, हम स्पेशली हमारे रिलीजन में हिंदुइज्म में साफ कहा गया है कि हम अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए धरती पे आते हैं, हमारी एक काम है, हमें कर्म करने के लिए यहाँ पे लाया गया है, और उस काम को करने के बाद ही हम यहाँ से जा सकते हैं। बट ये जो सेल्फिशनेस है, ये अपना काम करने के लिए नहीं आता है। ये लोगों को लगता है कि हम अपना करियर बनाएं, हम अपने बारे में सोचें, हम अपने पैसे कमाएं, हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया, ये वो लोग नहीं सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि उनके कोई काम करने से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को तकलीफ पहुंच रही है, किसी को बुरा लग रहा है, किसी का घाटा हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है इन सभी चीजों का। उनका सिर्फ एक ही रीजन रह गया है काम करने का, दैट इज दे शुड गेट द प्रॉफिट ऑफ वट एवर वर्क दे आर डूइंग। उनको सोसाइटी में ग्रोथ लाने से कोई मतलब नहीं रह गया। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ यही बन गया है कि वो आपका काम आसान अगर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज डेवलपमेंट। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको या तो बेवकूफ माना जाएगा, या फिर आपको ये कहा जाएगा कि आप ये सब दिखावा कर रहे हैं, ये कोई अच्छा काम करने की, आपका गलत काम छुपा, गलत काम पे पर्दा डालने के लिए, गलत काम छुपाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, ताकि आपके गलत काम के लिए आपको टोका ना जाए। ये सारी चीजें जो है, ये सेल्फिशनेस जो है ह्यूमन लाइफ की दिमाग में इतनी ज्यादा बैठ गई है कि वो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई बिना किसी रीजन के किसी और की हेल्प कर सकता है। कोई गरीब की अगर मदद कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे फोटो डालनी है। कोई अगर किसी काम वाली बाई के घर, कोई घर जा रही है वो किसी के काम करने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो ये आप चार लोगों को बताएंगे कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग इट। ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने के लिए अपनी खुशी वहीं तक रखिए। ये नहीं कि आपने एक काम किया, एक अच्छा काम किया, तो उसका ढिंडोरा आप सब जगह पीजिए। ये सेल्फिशनेस में आ जाता है। आपने एक अच्छा काम अगर किया तो उस पे अपने सेल्फिशनेस का दाग लगा दिया, आपका वो काम जो होगा वो जितना अच्छा गया उससे ज्यादा आपने बुरा कर दिया, क्योंकि आप अपने मतलब के लिए किसी और की मदद कर रहे हैं, और ये सेल्फिशनेस कहलाता है। दिस इज नॉट अ ह्यूमन गुड नेचर। ठीक है, ये आपके अच्छे कामों में नहीं जुड़ेगा कभी भी। यही चीज वो कहते हैं कि हम जो है ईवलनेस से इतने ज्यादा सबमिट करने लगे हैं। ठीक है, सबमिट करने का मतलब मैंने लास्ट क्लास भी समझाया था। सबमिट करने का मतलब होता है कि आपने अपने आप को पूरी तरह उस पर्सन को या उस चीज के अंडर अपने अपने आप को रूल करने दिया। अगर आप ईवलनेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वॉयलेंस की तरफ जा रहे हैं, डिसीटफुलनेस की तरफ जा रहे हैं, सेल्फिशनेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपने उसके अंडर इतना आपने उस चीज को इतना पावर दे दिया है कि आप किस तरह वर्क कर रहे हो, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल को, हर एक इंसान को नुकसान पहुंच सकता है आपके एक काम से। सेल्फिशनेस सिर्फ एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो आपको मजबूर किए कोई काम देने से, लड़ाई झगड़ा करने से, अग्रेशन पैदा करने से, ईगोइस्टिक हो जाने से, ये सारी क्वालिटीज जो है, ये सारी क्वालिटीज ईवलनेस का काम है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, अगर किसी ने डांट दिया तो गुस्सा आ जाएगा, कैसे डांट दिया उसने, ये सारी रीजन जो है, ये सारी चीजें जो है, ये सभी चीजों को उन्होंने एक लाइन में कंपाइल करके लिखा है, दैट इज वी आर नॉट कन्फेसिंग द कंप्लीट फेलियर, बट रादर वी आर and submission to evil, we are submitting to the evil। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी selfishness या deceitfulness, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं distorting, जो हमारा हो रहा है सच्चाई और अच्छाई को हम distort कर रहे हैं, right thing को distort कर रहे हैं, तो reason यही है क्योंकि हम evilness से इतने ज्यादा influence हो गए हैं कि हमें वही सारी चीजें पसंद आती हैं। जो मटेरियलिस्टिक खुशियां हैं, हम उनके पीछे भागते हैं कि हमें गाड़ी
चाहिए जहाँ उस पर्सन को क्या दिया जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आप तो करने की या आपके अपॉर्चुनिटी दी आपको उतना आगे बढ़ने की, आपके सक्सेस पाने की आपको अपॉर्चुनिटी दी, उस सोसाइटी के लिए आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये कंट्रीब्यूशन पे आप नहीं ध्यान देते हैं। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सबमिशन। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बच्चे, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है? नेटवर्क इश्यूज है, मैंने कहा है रिपीटिंग अगेन, ठीक है? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या बोला जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप सेल्फिश फीलिंग है जिसको आप गिव अप नहीं कर पा रहे हो कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है दूसरे बारे में सोचना है, ये आप नहीं कर पा रहे हो। अग्रेशन जो आपके अंदर गुस्सा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, टीचर कोई क्लास में डांट देता है तो आप पलट कर जवाब दे देते हो उनको कि हम नहीं कुछ गलत कर रहे थे, आपने गलती से डांट दिया। क्या होती है आपने नहीं है कुछ, आप तो काम करिए अपना, ऑलराइट सॉरी अबाउट दैट, वो नेटवर्क इश्यूज है तो बीच बीच में थोड़ा कट हो रहा है। ऑलराइट, तो एज आई वाज सेलिंग कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये सोचना है दैट वेदर यू आर ही वांटेड टू सेव ही अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल इज माय अर्ली अप्रोच टू लाइफ प्रॉब्लम हैव बीन मोर और लेस साइंटिफिक, ठीक है? पहले वो क्या उनका पढ़ा है जो कि पढ़ते कोशिश करते थे, ठीक है? आपने एक चीज भी देखो, ऑप्टिमिज्म के बारे में एक चीज बताई है जो कि मैंने शायद पॉइंट लिखवाया भी है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है वो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं हर जगह, ठीक है? आपके साथ कितना भी गलत हो रहा है आप यही सोच रहे हैं हम बेस्ट कर रहा है, इसके बाद जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से जब चली जाएगी तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह के जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उन्होंने बताया है, नेहरू जी ने बताया है कि अगर आपको लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जैसे उन्होंने अपने लाइफ में ऑप्टिमिज्म रखा है, इवन आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन जेल, इवन आफ्टर स्ट्रगलिंग सो मच फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, अभी भी उनको फ्रीडम नहीं मिली है, उसके बावजूद वो होप नहीं खोना चाहते हैं कि हमें कभी फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं। तो ये चीज कैसे उन्होंने बताई है कि ऑप्टिमिस्टिक जो है, देखिए अभी के जो ह्यूमंस हैं वो ऑप्टिमिस्टिक कब रहते हैं, वो पॉजिटिव कब रहते हैं, जब उनके हिसाब से लाइफ चलता है, लाइफ उनकी सिक्योर है, अच्छी जॉब आपको मिल गई, अच्छी सैलरी मिल गई, अच्छा इंसान आपका पार्टनर बन गया है, यही सारी चीजें आपको जब तक आप सिक्योर रह रहे हैं, जब तक आप कंफर्टेबल रह रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, तब तक आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आती है, आप उस पॉजिटिव थिंकिंग को अपहोल्ड नहीं कर पाते हो अपने पास, वो आपके हाथ से निकल जाता है, उसके बाद आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया था, मैंने ऐसा क्या गलत किया था किसी के साथ जो मेरे साथ इस तरीके का हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमसे क्यों रूठे हुए हैं भगवान, ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके,
ऑप्टिमिज्म सिर्फ जरूरी, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी नहीं है, काम कोई काम की नहीं है जब आपकी लाइफ सब सही चल रही है, सिक्योर है, कंफर्टेबल है। ऑप्टिमिज्म रहना या फिर पॉजिटिव थिंकिंग रहना तब जरूरी है जब आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जिनका आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि उस दौरान अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं सिर्फ तभी आप वहां उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आपके दिमाग में इतना नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि आप उससे उभर नहीं सकते हो। एंड दैट इज वाई नेहरू जी यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में उन्हें भी यही चीज लगने लगी कि बचपन में या जब वो यंग थे तब उन्हें भी लगता था कि वो हर चीज को साइंटिफिक अप्रोच की तरफ से देखते थे, वो लॉजिकली सब कुछ सोचने की कोशिश करते थे, और वो यही उनका भी यही थिंकिंग था कि जब तक वो सिक्योर हैं, जब तक वो कंफर्टेबल हैं, तब तक जब तक उनके पास एनर्जी है, जब तक उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तब तक वो ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तब तक वो पॉजिटिव थिंकर रहेंगे। लेकिन लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको यही चीज मिलेगी, अच्छाई ही मिलेगी। आपको लड़ते टाइम, फाइट करते टाइम ज्यादा एनर्जी लगता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उससे फाइट करने के लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी आपको तभी मिलती है जब आप यहाँ पर उसको पॉजिटिव थिंकिंग रखो अपने माइंड में। आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो वो डिप्रेस कर देगा आपको, अपने ही थॉट्स आपको डिप्रेस कर देंगे, और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर एनर्जी रहेगा फाइट करने का वो इतना ड्रेन हो जाएगा, इतना ड्रेन हो जाएगा कि आपके पास लड़ने का छोड़िए उसके साथ आप कोपअप भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ चलो कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगी, हम बेयर कर लेते हैं, बेयरिंग पावर भी आपके पास नहीं रह जाती है। एंड इसकी वजह से आपको ऑप्टिमिज्म की उस टाइम ज्यादा जरूरत होती है जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, कुछ खराब हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो जिसका आप सोल्यूशन अकेले नहीं निकाल पा रहे हैं, या आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो, या कोई आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ही स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट रिलीजन। नाउ लुक एट द पीडीएफ, अगर आपने ओपन किया है तो आप देख पा रहे हैं रिलीजन के ऊपर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, और बहुत डिटेल में इसको समझाया है। तो इसको हम ध्यान से थोड़ा पढ़ते हैं कि इतना डिटेल में उन्होंने क्या क्या चीजें समझाई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि उन्हें किसी भी रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एक रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम उन्हें कब होती है, जब ये रिलीजन जो है हमारा बिलीव, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन जो होता है ये किस चीज के साथ जुड़ जाता है, ये सुपरस्टिशन ट्रेडिशंस या सुपरस्टिशंस एक्ट के साथ या डॉगमेटिक बिलीफ के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, डॉगमेटिक बिलीफ का या सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो होते हैं, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस आपको पता होंगी, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा करना, एक ऐसा एक्ट जो आप रिलीजन के नाम पे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक्ट जो आपके रिलीजन के नाम पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है उस पर्सन को हानि हो रही है, उस पर्सन को हार्म हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग भूत उतारने के लिए झाड़ू से मारते हैं, हंटर से मारते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर सुपरस्टिशियस, क्योंकि किसी को मारने से, किसी पर्सन को भी मारने से उसके अंदर की नेगेटिविटी नहीं निकलती है, दिस इज इलॉजिकल, इसका कोई बेसिस नहीं है। ठीक है, आप कितना भी चाहे उस पर्सन को मार लीजिए लेकिन उसके अंदर की नेगेटिविटी नहीं जाएगी जब तक आप उसका इलाज नहीं कर लेते अच्छे से। अगर स्पिरिचुअल लेवल से सही में कोई प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट अपनाना पड़ेगा, मेडिटेशन कराना होगा, कुछ आपको वहां पर उसका प्लेसमेंट चेंज करना होगा, सम पॉजिटिव एरिया में जहां पर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है वहां लेके जाइए उस पर्सन को, ये सारी चीजें करना पॉसिबल है, ये सारी चीजें करना लॉजिकल है, लेकिन उसे मारना तो लॉजिकल किसी सेंस में नहीं है। तो ये सुपरस्टिशंस है। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो है ये सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस है, यानी कि सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस वो एक्ट होते हैं जिनको आप रिलीजन के नाम पे करते हैं लेकिन आप किसी को हार्म कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, नाउ डॉगमेटिक बिलीफ भी
देखो डॉगमेटिक बिलीफ लिखा है और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस लिखा है। प्रैक्टिसेस यानी कि जो आप करते हैं, करके दिखाते हैं। बिलीफ यानी कि जो आपके माइंड में है, जो आपका माइंडसेट है, ठीक है। तो डॉगमैटिक क्या होता है? डॉगमैटिक वो उन तरह के लोगों को हम डॉगमैटिक बिलीफ में गिनते हैं जिनका जो थिंकिंग होता है वो इलॉजिकल होता है। जैसे छुआछूत का प्रॉब्लम जो है हमारा, ठीक है, कि हम उस कास्ट के लोगों को छुएंगे नहीं, उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उसको अपने घर नहीं खाना खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, ये सारे डॉगमैटिक बिलीफ हैं। अगर उस पर्सन के हाथ का पानी पीने से आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको पाप लगेगा, ये किस तरह का लॉजिक हो सकता है? कोई लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यही चीजें जो होती हैं, जो इलॉजिकल बिलीफ होते हैं लोगों के, जिनके पीछे की कोई धारणा कहीं आपको नहीं मिलेगी ग्रंथों में, उन चीजों को हम डॉगमैटिक बिलीफ में डालते हैं, ठीक है। जो बस दिमाग में आपके बस गया है कि बस इन लोगों से हमें दूर रहना है, ये छोट जात के हैं, ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे से नहीं रहते हैं, साफ नहीं रखते हैं, इनके हाथ से कुछ भी छुएंगे तो गंदा हो जाएगा, ये सारे बिलीफ आपके डॉगमैटिक बिलीफ हैं। दीज आर टोटली इलॉजिकल थिंग, ठीक है। बिल्कुल भी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि वो पर्सन सिर्फ इसलिए उस पर्सन को आप पानी नहीं पिला रहे हैं या उसके हाथ का पानी नहीं पी रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया। वो तो उसके कंट्रोल में है ही नहीं कि वो किस कास्ट में या किस फैमिली में जन्म लेगा, ये उसकी प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। सो दिस इज व्हाट डॉगमैटिक बिलीव्स आर। तो नेहरू जी कहते हैं कि जो भी रिलीजन होता है, हर एक रिलीजन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब आप रिलीजन को सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस से या डॉगमेटिक बिलीफ छोड़ देते हैं तो आपका रिलीजन अच्छा नहीं रह जाएगा। एक तो उसकी वैल्यू भी घटती है, उसके साथ साथ जितने लोग उस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं या उस रिलीजन की फैमिली में बहुत बर्न हुए हैं, उनको उस रिलीजियस बिलीफ पे कोई भी भरोसा नहीं रहेगा। उस पूरे के पूरे रिलीजन पे वो क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें ये सारी बातें लॉजिकली नहीं लगती हैं। आप सोच के देखिए, आप यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग साइंस या कॉमर्स पढ़ के आए हैं, उन सभी लोगों को अगर कोई भी रिचुअल बताया जाता है तो आप सबसे पहला सवाल यही करते हो कि ये रिचुअल का क्या मीनिंग है, क्यों किया जाता है? बिकॉज वी आर गेटिंग द फ्रीडम, वी आर इन नाउ दैट स्टेट वेयर वी क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। और ये क्वेश्चन करने का राइट किसने दिया? ये क्वेश्चन करने का राइट उन गलत लोगों ने दिया जिन्होंने हमारे रिलीजन के साथ साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने यहाँ पर सुपरस्टिशियस बिलीफ को रिलीजन के अंदर डाल दिया है, डॉगमैटिक बिलीफ को रिलीजन के अंदर डाल दिया है। अगर हमने डॉगमैटिक बिलीफ को और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को अलग रखा होता हमारे रिलीजन से, तो कभी भी किसी को क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर एक रिलीजन अगर हम फॉलो करते उसको बिना किसी इलॉजिकल फैक्ट के, तो लॉजिक समझाने के लिए तो आपको बताना ही पड़ता, आंसर करना ही पड़ता कि क्यों आप ये रिचुअल फॉलो करते हैं। तो जब ये चीज हो जाती तो किसी को ना जरूरत पड़ती, ना ही किसी को राइट होता कि वो किसी भी रिचुअल को उंगली उठा के बोल सके कि ये गलत हो रहा है या कि क्यों किया जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें नेहरू जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज डिग्रेडिंग द रिलीजियस वैल्यू, ठीक है। लोगों में रिलीजियस वैल्यू घटाने के लिए ये सारी चीजें एसोसिएट करना, इन सारी चीजों का एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट चीज वो यहाँ पर ये कहते हैं कि रिलीजन जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने दो पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताया है रिलीजन का, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में पहले बात करते हैं, जो कि उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है, इट हैड गिवन अ सेट ऑफ रूल्स टू ह्यूमन लाइफ एंड दो सम आर देयर सम ऑफ दीज वैल्यूज हैव नो एप्लीकेशन टूडे or were even harmful, others were still the foundation of morality and ethics. यानी कि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पॉजिटिवनेस क्या होता है रिलीजन में, कि अगर आप कोई रिलीजन फॉलो करते हैं तो वो रिलीजन क्या करता है, वो रिलीजन एक इंसान को वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक सेट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करता है, एक आपका मोरालिटी, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें आपके रिलीजन से, आपके कल्चर से आती हैं। और कल्चर और रिलीजन तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, राइट। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि जिस पर्सन की लाइफ में रिलीजन होता है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, कि उसके लाइफ का प्रिंसिपल होता है, वो सेट ऑफ रूल उसके बने हुए हैं लाइफ में और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वो पूरा जीवन बिताएगा, ठीक है।
लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, वो लोग जो बिना लॉजिक समझे किसी भी रिचुअल को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जस्ट बिकॉज दे आर इन देर आर सम पीपल हु माइट टेल यू दैट कि ये रिचुअल फॉलो करिए, आपको इतना मुनाफा हो जाएगा, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सारे लोगों की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके रिलीजन का नाम लेके बता रहे हैं। इन लोगों को जो फॉलोअर्स होते हैं, इन लोगों को जो फॉलो करते हैं, इन लोगों को जो सच मानते हैं, वो किस तरह के लोग बन जाते हैं, उनको यहाँ पर लिखा है उन्होंने, इट हैड प्रोड्यूस्ड मेनी फाइन टाइप ऑफ मेन एंड वुमेन एज वेल एज बिगोटेड। बिगोटेड का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय पीपल। जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस तरह के लोग, उन्हें बिगोट कहते हैं, ठीक है। नैरो माइंडेड क्रूअल टायरेंट, ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलीजन में कभी किसी अच्छे लोग नहीं होते हैं जो रिलीजन फॉलो करते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। उन लोगों की लाइफ में प्रिंसिपल होता है, उन लोगों की लाइफ में मोरालिटी होता है, उन लोगों की लाइफ में एथिक्स होता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, जिनका कोई लॉजिकल दिमाग नहीं चलता है, जिनको कभी नहीं पूछना है कि ये रिचुअल क्यों फॉलो हो रहा है, वो रिचुअल क्यों फॉलो हो रहा है, जिनको जानना भी नहीं है, आंख बंद के वो हर एक चीज पे विश्वास करेंगे जो उन्हें रिलीजन के नाम पे बता दिया जाए, वो क्या बनते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करने वाले बिगट्स बनते हैं और नैरो माइंडेड क्रूअल पीपल बनते हैं। क्रूअल पीपल क्यों बनते हैं, नैरो माइंडेड क्यों बनते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति को छुआछूत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसका कास्ट जहां पर वो जन्म लिया है, जिसका फैमिली जहां पर वो जन्म लिया है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है, इसके लिए वो उसको सजा दे रहे हैं, इसके लिए वो उसको ताना दे रहे हैं, ये क्रूअलिटी नहीं है तो क्या है, राइट। यही चीज नेहरू जी कहते हैं कि रिलीजन ने अच्छे लोग भी पैदा किए हैं, ऐसे लोग भी पैदा किए हैं जिन्होंने मोरालिटी को फॉलो किया है, जिन्होंने एथिक्स को फॉलो किया है, और ऐसे भी लोग हैं रिलीजन फॉलो करने वाले जो कि क्रूअल होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस किया है, यहाँ पर उन्होंने साइंस से रिलेट करने की बात बताई है कि जब रिलीजन साइंस से रिलेट हो जाता है तो अगेन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। जिस तरह एक पर्सन जब रिलीजन फॉलो करता है उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, सेम चीज जब साइंस को हम रिलीजन से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, जितने भी हमारे बिलीफ हैं, उनको साइंस ने कहीं ना कहीं आज प्रूफ कर दिया है, ठीक है। साइंस की मदद से बहुत सारे लोगों ने हमारे रिचुअल्स जो हजारों सालों से चलते आ रहे थे, उन्हें प्रूफ कर दिया कि ये जो बिलीव थे हमारे, ये जो हमारे एंसेस्टर्स हमने इंस्टॉल करके गए हैं, हमारे एथिक्स जो हैं, ये बिना लॉजिक के नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें बस बोला जा रहा है कि ये रिचुअल आपको फॉलो करना है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया भी था, ठीक है, कि औरतें सिंदूर क्यों लगाती हैं, मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं, ठीक है, आप नाखून क्यों नहीं काट सकते हैं स्पेसिफिक डे में, आप रंगोली क्यों बनाते हैं, ये जो हमारे रिचुअल्स हैं, ये जो हमारा प्रैक्टिस हैं, ये हजारों सालों से चलता आया है और इसका साइंटिफिक रीजन है। साइंस ने इस पे जो पॉजिटिव इफेक्ट किया है वो ये कि इसने प्रूफ कर दिया है कि ये जो रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं इनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और ये अच्छा रीजन है, हमें फॉलो करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ है, इससे वो लोग जैसे नेहरू जी ने यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में बताया था, सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि वो जब यंग थे तो उस दौरान वो साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग को ज्यादा फॉलो करते थे। अब उसी तरह के लोग साइंस की मदद से अपने रिचुअल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और उन्हें कोई डर नहीं है अपने रिलीजन को फॉलो करने में, क्योंकि उन्हें एक लॉजिकल रीजन दे दिया गया है। साइंस ने उन्हें एक लॉजिकल रीजन दे दिया गया है कि आप अगर ये काम कर रहे हैं अपने रिचुअल में तो इसके पीछे ये कारण है, आप अगर ये रिचुअल फॉलो कर रहे हैं अपने बर्थडे के दिन या अपने मैरिज के दिन तो उसका पीछे ये रीजन है। दैट मीन्स इट हैज गिवन पावर टू दोज पीपल हु हैव लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल ब्रेन इन देमसेल्फ
एंड दे हैव गॉटन द कॉरेज करेज, ठीक है, उनका करेज हो गया है कि अब वो क्या करेंगे, अब वो फ्रीली फियरलेसली अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, जो उनको गलत ठहराते हैं उनके सामने वो कह सकते हैं कि साइंस ने प्रूव किया है कि हमारा ये रिलीजन जो है, हमारा ये जो एक्ट है, रिलीजियस एक्ट है, ये वेरीफाइड है साइंस के द्वारा कि ये अच्छा एक्ट है, ये करना चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है. अंडरस्टूड? तो ये आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है साइंस का. नेगेटिव एस्पेक्ट जो उन्होंने बताया है यहाँ पर, ये आपका नेक्स्ट पेज पे होगा. इफ यू आर लुकिंग एट द पीडीएफ, नेक्स्ट पेज पे आइए. यहाँ पर जो है उन्होंने उन्होंने एक चीज पहले यहाँ पर ये बताई है कि जो हमारी ओल्ड कॉन्ट्रोवर्सीज हुआ करती थी, यानी कि पहले के जो लोग थे, जो आप कह सकते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रही थी, ठीक है, हमारा जो इनोवेशन या इन्वेंशन का एरा जब था, जो बहुत सारी चीजें डिस्कवर की जा रही थी, बहुत सारी चीजों का रिसर्च चल रहा था, उस दौरान बहुत सारे लोग आपके रिचुअल्स पे उंगली उठाया करते थे, कॉन्ट्रोवर्सी किया करते थे कि आपके रिचुअल ऐसे क्यों किए जा रहे हैं, आप बुर्का क्यों पहनते हैं, आप घूंघट क्यों लेते हैं, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, आप ज्वेलरी इतने सारे क्यों पहनते हैं. ये सारे रीजंस जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं क्वेश्चन किए जाते थे. एंड आफ्टर अ व्हाइल व्हेन दे डिस्कवर ऑल दीज डिस्कवरीज वर मेड, ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स वर हेल्ड, साइंस ने इसको एक टूल दे दिया, साइंस ने एक मेथड दे दिया कि हम इन रिलीजियस बिलीव्स और एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छी हैं इनको. नेक्स्ट यहाँ पर वो नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिए उस थर्ड पेज का, यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताया. तो जो पहली लाइन है उससे मैं आपको एक बार रीड करके बताना चाहूंगी. रिलीजन मर्जेस इंटू मिस्टिसिज्म एंड मेटाफिजिक्स एंड फिलोसफी. अब मिस्टिसिज्म क्या होता है? मिस्टिसिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी इल मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते हो किसी एक्ट को, जब उस तरह के एक्ट को आप परफॉर्म करते हो, ठीक है. इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लेट मी शेयर द डेफिनेशन, एक्चुअली आई हैव इट इन माई फोन, लेट मी शेयर द डेफिनेशन. अगर आप डेफिनेशन जान जाओगे तो थोड़ा आसान रहेगा समझने में, क्योंकि ये सारे टॉप जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ हैं समझने में. ओके, सॉरी आई एम अनेबल टू स्क्रीन शेयर हियर, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास इसको डिक्टेट कर दूंगी. तो मिस्टिसिज्म का मतलब ये होता है जब कोई वैल्यूज या आपके रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीव जो होते हैं वो इल डिफाइंड होते हैं, या उनको कह सकते हो कि वो उनका एसोसिएशन जो होता है वो उस जैसे ग्रुप्स को होता है, ग्रुप्स के साथ होता है जिनका कोई भी लॉज, कोई भी एक्ट जो होता है रिलीजन के नाम पे, वो डॉगमेटिक बिलीफ फैलाते हैं, वो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस करते हैं, उन चीजों को जब हम एक साथ लेते हैं, ठीक है, वो जो बिलीफ होगा, वो जो वैल्यूज होगा, वो जो डेफिनेशन आपका निकलेगा रिलीजियस बिलीफ का, वो यही रीजन कहलाता है कि वो सारी चीजें होती हैं, वो किस चीज का फैक्ट बताती हैं, वो इस चीज का फैक्ट बताती हैं कि आप यहाँ पर मिस्टिसिज्म इंक्लूड कर रहे हैं, रिलीजन में आप मिस्टिसिज्म इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है. मर्जेस का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मर्जेस मतलब मिक्स कर देना, ठीक है. मिस्टिसिज्म का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जब आप किसी भी इलॉजिकल एक्ट को, ठीक है, रिलीजियस एक्ट को आप लॉजिकली डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे आपने ये रिचुअल क्यों फॉलो किया तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते, कोई लॉजिकल जवाब आप नहीं दे सकते हो कि क्यों किया, ठीक है. मेटाफिजिक्स जो होता है, मेटाफिजिक्स आपका एक साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसको सिर्फ एक तरह से जो साइंटिफिक थिंकर्स हैं, साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बस इमेजिन किया है. हो सकता है कि कुछ सालों बाद, 10, 15 या 20, 25 साल या 50 साल बाद इसे प्रूफ भी कर दिया जाए, लेकिन अभी उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता. जैसे आपका मेटावर्स, जो मार्वल्स की मूवी देखते हैं या डीसी मूवीज देखते हैं उनको पता होगा मेटावर्स के बारे में. मेटावर्स इज स्टिल अ नॉट प्रूवन फैक्ट, ठीक है, इट इज स्टिल अ नॉन प्रूवन फैक्ट, इसीलिए साइंटिफिक फिक्शन है.
ठीक है, ये साइंटिफिक फिक्शन है क्योंकि इसमें साइंस जरूर यूज हुआ है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हम डिफाइन कर पा रहे हैं उसमें, लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, और इसी चीज को हम मेटाफिजिक्स में डालते हैं। ठीक है, साइंस का ये वो पोर्शन है जिसे हम लॉजिकली डिफाइन नहीं कर पाते, प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लॉजिकली डिफाइन कर पाते हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे हमारा मेटावर्स जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, ये हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है इसको हम लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स को लेकर या कुछ भी हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ लॉजिकल थिंकिंग को लेकर हम उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह का चीज हो सकता है, बट वी कैन नॉट प्रूव इट दैट इट एग्जिस्ट राइट नाउ। ठीक है, तो उन्हें हम मेटाफिजिक्स का पार्ट मानते हैं जिन्हें हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर सकते। लास्ट वन इज योर फिलोसफी। अब देखो फिलोसफी क्या होती है, हम यहाँ पर चैप्टर में भी फिलोसफी ही पढ़ रहे हैं, ये आपका लाइफ फिलोसफी है। तो फिलोसफी जो होती है, फिलोसफी एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि मेरी लाइफ की फिलोसफी नेहरू जी की फिलोसफी से बहुत अलग हो सकती है, मेरी लाइफ की फिलोसफी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की लाइफ की फिलोसफी से अलग हो सकती है। फिलोसफी और फैक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपनी लाइफ में एजुकेशन के बारे में जो फील करती हूँ वो आप भी फील करें या आपकी भी सेम थिंकिंग रहे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अगर मेरे साथ कोई पढ़ा है तो भी जो पर्सन मेरे साथ रहते हैं, जैसे मेरी सिस्टर हो गई, मेरे ब्रदर हो गए, उनका भी थिंकिंग हो सकता है कि मेरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मेरी फिलॉसफी से उनकी फिलॉसफी बहुत अलग हो सकती है, क्योंकि फिलॉसफी आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करती है। एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह सोच रहा है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, करियर के बारे में क्या सोचता है, ये उसका पर्टिकुलर थिंकिंग है। आप अगर उसको फैक्ट में ले लेते हैं, यानी कि मैंने अगर कह दिया कि मैं एजुकेशन के बारे में ये सोचती हूँ या मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये सोचती हूँ, आप इसे फैक्ट नहीं ले सकते, दिस इज माई फिलोसफी। ठीक है, आप उसे एज अ फैक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ की, ये मेरी लाइफ की फिलोसफी है, ये मेरा एजुकेशन फिलोसफी है, आप उसे फैक्ट की तरह या रिलीजन से अगर जोड़ देंगे तो ये गलत है। ठीक है, और यही चीज नेहरू यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर रिलीजन के साथ आप यहाँ पर ऐसे बिलीव जोड़ देते हैं या ऐसे एक्ट, ऐसे बिलीव जो कि लॉजिकली डिफाइन नहीं किए जा सकते, ऐसे वैल्यूज जिनको लॉजिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता है उसको जोड़ देते हैं साथ में, तो ये गलत है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आप नॉन प्रूवन फैक्ट, जो साइंस का नॉन प्रूवन पार्ट है, दैट इज योर मेटाफिजिक्स, उसको आप रिलीजन से जोड़ देते हैं तो ये भी गलत है। और अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन की फिलॉसफी से रिलीजन को जोड़ देते हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक आदमी ने आपसे कहा, एक पर्सन आपके पास आया और उसने कहा कि ये रिचुअल आप परफॉर्म कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये सही है, उसने क्या कहा, मेरे हिसाब से ये सही है, यानी कि वो प्रूफ नहीं कर सकता कि वो सही होगा या गलत होगा, वो आपको गारंटी नहीं दे सकता है ये सही होगा या गलत होगा, लेकिन आपने अगर उसको फॉलो किया तो वो आपकी गलती है कि अगर आपको कुछ नुकसान हुआ, आप उस पर्सन को गलत नहीं ठहरा सकते, वो उसकी फिलॉसफी है, वो उसका थिंकिंग है, वो फैक्ट नहीं है। आप उसे सच मान के या फैक्ट मान के अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है, उस पर्सन की गलती नहीं। ठीक है, और यही चीज को कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मिस्टिसिज्म, मेटाफिजिक्स या फिलॉसफी को अगर हम रिलीजन से जोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के जितने लोग हैं उन सभी के लिए। अंडरस्टूड? ऑलराइट, सो लेट्स एंड दिस सेशन हियर एंड नेक्स्ट क्लास जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई वॉन्ट कि यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में पॉसिबली इफ आई कैन, इफ यू कॉपरेट विद मी, आई थिंक ये चैप्टर फिनिश हो सकता है। हालांकि बहुत बड़ा है लेकिन हम टारगेट लेके चलते हैं कि मैक्सिमम हम दो क्लास में इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज ऑनलाइन क्लासेस थी तो इसीलिए मैंने आपको रिविजन के साथ साथ पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास से मैं रिविजन नहीं कराऊंगी। ठीक है,